इतना काम करके इतना पसीना आ चुका है मेरे, ये देखिए आप ढंग से। तो गाइस मैं अब दिखाती हूँ कि मेरे जो मम्मी हैं, पापा हैं और सावंत जी हैं और भाई साहब तो मेरे साथ काम में हेल्प कर रही है, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ कि वो क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। और मैं अभी करी बना रही हूँ, चलो मैं दिखाती हूँ, मैं आपको लेके जाती हूँ वहाँ पर। इसको देखो ये पानी पी रही है, पापा जी देखो गाने सुन रहे हैं, ये टैंगो ऐप चला रहे हैं। और ये मम्मी है हमारी स्वीट सी जो कि बना रही है। मंडी खा लियो, आ जाओ मारवाड़ करनी। ये देखो मम्मी हाय बोलो। हाय। तो मम्मी आप पकौड़ी किसके लिए बना रहे हो? मैं मेरे बेटा के लिए बना रही हूँ। अच्छा हाँ। ओके और बताइए। मेरे बेटा बू है, मेरी बेटी है। अच्छा और आप बताइए अपने बारे में कुछ, आपको कैसा लग रहा है ससुराल के पीछे? आपकी गाय आ रही है देखो, ससुराल था रहा हमारा तो। मतलब पीहर में आके क्या बोलते, घर में आके कैसा लग रहा है आपको? माम तो बढ़िया लगे। तो मम्मी आपके लिए पकौड़ी बना रही है। ओके तो गाइस मैंने आपको इन दोनों से मिला दिया है। तो मैं पापा इधर देखना तो अभी आप क्या कर रहे हो? अभी आप क्या करने वाले हो? अच्छा अभी गाने सुन, क्या देख रहे थे मोबाइल में? मोबाइल में क्या देख रहे थे आप? मोबाइल में हनुमान चालीसा का पाठ सुन रहे हैं। अच्छा तो हम आए हैं तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा पकौड़ी किसके लिए बन रही है? आप लोगों के लिए। ओके तो गाइस ये देखिए गाइस पकौड़ी खा रहे हैं देखो दोनों बैठ के। खाओगे पकौड़ी? मेरी सासू माँ ने बनाई है हमारे लिए, क्योंकि हम आ जाए थे ना घर पे, इसीलिए खा लो। हेलो एवरीवन, तो गाइस देखो किसका मंदिर है ये, किसका मंदिर है? तो गाइस ये देखो हम विजयनगर में भैरव जी के मंदिर में आए हुए हैं और टाइम हो रहा है 10 बजे का, मंदिर लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया। तो गाइस ये देखो मेरी पूरी फैमिली इधर बैठी है जो हमारे साथ आई हुई है। तो ये मेरी सासू माँ है। तो मम्मी बताइए आपको कैसा फील हो रहा है अभी? तो मतलब आप सारी फ्रेंड्स मिलके यहाँ पे बात कर रहे हो तो आपको अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छी लग रही है। ये गाइस ये थोड़ा क्या बोल दे 50 साल से ज्यादा उम्र का ग्रुप है, 55 का। हाँ तो ये मम्मी जी हैं, ये मौसी जी हैं और ये अभी ये भी मम्मी जी मान लो, तो मम्मी जी बोलती हूँ। रील पोस्ट हो गई करने पड़ेगा। हाँ तो मौसी जी आप बताओ आपको कैसे फील हो रहा है? अच्छा हो रहा है। अच्छा और तो क्या बताएं, खाना खा लिया आपने? खाना खा के पार्क में नाकोड़ा के रुकिए घूमने आए हैं। सब ध्यान है इनको फिर भी पूछ रहे हैं। अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है। और आप बताइए आपको कैसे फील हो रहा है? बढ़िया हो रहा है। आप अपनी स्किन का अंदाज बताइए, आप इतने गोरे कैसे हैं? ये मेरी मम्मी से सभी लोग पूछते हैं। इस एज में भी इतने अच्छी क्वालिटी कैसे आपके पर्सनालिटी सारी? बताइए जरा, हमारे सभी सदस्य आपको देख रहे हैं। कुछ नहीं लगाते हैं तो कुछ भी नहीं लगाती हूँ मैं तो, नेचुरल ब्यूटी है। बदबू नहीं आती मेरे नाक से, क्या लगा? क्या नहीं आती? खुशबू ही नहीं आती। अच्छा खुशबू नहीं आती, बदबू आती है। ओके 14 लाइक भी आ गए। और ये हमारी छोटू मोटू गोली देखो, छोटू मोटू गोलू मोली बहुत स्वीट सी बच्ची है, भगवान मुझे भी ऐसी क्यूट सी पाई दे, है ना? ये मेरे लिए गाइस ये बोलती है कि दीदी मैं जब बड़ी होंगी ना तो आपके लिए पक्का कार खरीद के दूंगी। मैंने कहा बेटा बड़ी होगी तो तू भी भूल जाएगी ज्योति भाभी से कौन थी। और ये मेरी ननद है काली माता रानी। तो सुनाइए आप सही बचपन में की कथा, जाने में नंगा है कि है? पोज कर दो ना इसको।
विजयनगर के राज दरबार में आई हूँ। यही अभी सारे बहुत और मेरी फैमिली और ये हमारी क्यूटी भाई सी क्यूटी भाई हाँ बोलो। और गाइस जो वीडियो बना रही है वो है पायल और पायल की आईडी मैंने जो मेंशन कर दूंगी आप प्लीज उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। तुम साथ हो तेरे सपनों में नहीं तेरी नजरों में साथ हो तेरी नजरों में तेरे सपनों में नाराजी बातें दिल की जो होती लफ्जों की धोखेबाजी। तुम साथ हो या न हो क्या फर्क है बेदर्द से जिंदगी बेदर्द